गुड इवनिंग छात्रों, एनसीसी के एक बार और कुछ क्वेश्चन हमने 15-20 बच्चों से कुछ पूछा, तो कुछ क्वेश्चन मिले जो कि बी और सी दोनों में आते हैं, डिग्री कॉलेज में भी, तो दोनों दो तरह के छात्र मिले थे, तो वैसे क्वेश्चन पूछा। जैसे कि आप इसमें क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, तो एनसीसी जो है का गीत कौन सा है, तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने इन्हें लिखा था। और एनसीसी अधिनियम आप सभी जानते हैं 1948 में पारित हुआ था, और आपके पड़ोसी देश अगर आप नक्शा उठाएं तो दिख जाएगा अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, चीन, म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश, मालदीव। और तीनों देश का मुख्यालय कहाँ है, तीनों सेना का सॉरी, तो ये आपका नई दिल्ली में है। वायुसेना की स्थापना कब हुई थी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 अक्टूबर 1932 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठवां क्वेश्चन थंब का आदेश, ये हमको डिग्री कॉलेज का है, थंब का आदेश कब दिया जाता है, जब बाएं पैर से दाएं पैर ले जाते हैं आप, तब थंब का आदेश दिया जाता है उसी समय पर। और विश्राम की जब पोजीशन होती है तो आपके दोनों एड़ी के बीच में जो अंतर होता है वो 12 इंच या 1 फिट कह लीजिए। LMG जो आप आजकल मशीन, ये डिग्री कॉलेज का ही है, LMG की मैगजीन में कितना फायर होता है, कितनी गोलियां, तो 30 राउंड का करीब। और बगैर हथियार के दो चाल अगर आपको चलने कही जाए युद्ध के मैदान में, तो एक ब्रेकेटिंग जिसको कहते हैं और एक का नाम है की रेंज, तो ये इसे कहते हैं। और नक्शे में दो जल स्रोत अक्सर आप लोग देखते होंगे, लेखपाल के पास नक्शा होता है तो उसमें दो जल स्रोत के नाम बने रहते हैं, तो एक कुआं और एक नदी। दूसरा, सैनिक का सांकेतिक चिन्ह अक्सर आप देखते होंगे बसों पे लिखा रहता है, तो मेन रूप से सैनिक का अगर लिखा है तो उसमें प्लाटून और सेक्शन, दो सांकेतिक चिन्ह उनके बने रहते हैं। और फिर देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में हमारा लास्ट क्वेश्चंस बन जाता है, बड़ी मेहनत लगती है छात्रों इसको बनाने में, पूछना पड़ता है बच्चों से फ़ोन करके कि कब कौन डिग्री में आए, बी और सी दोनों लगभग हैं, तो इसमें बी ही आपको है। इसमें देखिए आपका लास्ट करीब 19 क्वेश्चन हम पूछ पाए थे, तो एक है कि मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, तो प्राकृतिक और राजनैतिक। और दूसरा है चार भू आकृति कौन सी हैं, तो पर्वत, पठार, पहाड़ी और टीला। और पर्यावरण प्रदूषण तो आप जानते ही हैं, जल है, वायु है, मिट्टी है, ध्वनि है और रेडियो एक्टिव जो कि नागासाकी पर छोड़ा गया था, तो रेडियो एक्टिव। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 21%, नाइट्रोजन करीब 78%, बाकी 1% में ओजोन आदि गैसें पाई जाती हैं। और विटामिन सी की रोग से जो आपको कमी से जो रोग होता है उसे स्कर्वी कहता है, थोड़ा बहुत बायोलॉजी के क्वेश्चन भी हो जाते हैं। और हमारे शरीर में 70% जल है और पृथ्वी पर भी 70% जल है। डायबिटीज किस कमी से होता है, तो ये आप इंसुलिन का इंजेक्शन आप लोगों ने देखा होगा, लोग डायबिटीज शुगर के मरीज लगवाते हैं तो इंसुलिन के कमी से होता है। और एड्स जो एक बीमारी चली थी पहले, और उसका ये HIV वायरस से होती है, तो इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और COVID-19 का तो जानते ही हैं, को फॉर कोरोना, VI5 वायरस, और 19 में आया था इसलिए COVID-19। तो फुल फॉर्म के लिए भी आप तैयार रहिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको देता रहूँ। और कल मैं NCC का फॉर्म आपको पूरा भरा भरा है, किस तरह से भरा जाता है, और पूरा भर के एक फ़ोटो चिपका के बढ़िया से उसको एक बार और समझा देता हूँ, कल उसको अपलोड भी कर दिया जाएगा। और अभी तो 17 के बाद ही आप एडमिशन वगैरह जब फाइनल कर लें तो फिर उसके बाद आपको नोटिस सबको दी जाएगी, वीडियो से चाहे व्हाट्सएप से चाहे मैसेज से,
कैसे भी करके मेरी ड्यूटी है, मैं तो ज़रूर दूंगा आपको। मेनी मेनी थैंक्स छात्रों, थोड़ा लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर हमें चाहिए आप लोगों से। अब ये मेहनत आप ही लोगों के लिए हो रही है, 2018 से हो ही रही है, लक्स पे हो रही थी, अब थोड़ा सा इस पे हो रही है, तो थोड़ा फिजिक्स पे हो रही है, आप लोग थोड़ा हमारा सहयोग करिए। मेनी मेनी थैंक्स अगेन।